पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने पर यमुना नदी के करीब आधा दर्जन गांवों में बाढ़ के आ जाने से गांव के लोग अपने घरों का सामान सुरक्षित जगह पर भेजना शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन की ओर से सरकारी बसें, एम्बुलेंस और पुलिस सहायता दी जा रही है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से हथनी कुंड बैराज में पानी का उतार चढ़ाव चल रहा है। कल 4 बजे पानी ने यमुना किनारे लगे गांवों में तबाही मचानी शुरू कर दी, जब यमुना में 5,03,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसमें आधा दर्जन के करीब गांव में पानी घुस गया, जिसमें हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। आज सुबह पानी ने फिर करवट बदली और आज दोपहर 12 बजे हथनी कुंड में 1,50,000 पानी रह गया, जिससे बाढ़ की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। कई गांव में बाढ़ आ जाने से लोगों के घरों में पानी घुस गया और हजारों एकड़ फसल खराब हो गई। गांव के जिन गलियों में कल तक बच्चे खेल रहे थे, आज उन गलियों में नदी की तरह पानी बह रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली और पशुओं के खाने का चारा डूब चुका है। वहीं प्रशासन बार बार लोगों को अपील कर रहा है कि वह सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के दावे कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन अपने दावों को कहाँ तक खरा उतारता है। काफी लोगों को जो अनाज घर में रखा था वो बेकार हो गया है अभी, और जो फसल अक्सर धीरे धीरे जो है तो बर्बाद हो ही गई है हिसाब से भी, और जो है काफ़ी नुकसान है जी, और गरीब लोगों के बेचारे जो है बहुत से कपड़े बह गए थे। तो पशुओं के चारे की, पशुओं के चारे की जो है बस पशु जो है भुगते ही है, थोड़ा बहुत जो है चारा रखा था वो खत्म हो गया है जी। तो अभी हम तो प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे जो है पशुओं का भी खबर ले और बस्ती की भी खबर ले आके, ताकि हम जो है प्रशासन से जो लाभ उठा सकें। जैसे अभी घरों के अंदर पानी आया तो फिर कहाँ रह रहे हो आप लोग? वो छतों के ऊपर पड़े हैं जी, फिर दूसरे का सहारा लेकर दूसरे के छत पर पड़े हुए हैं जी। बहुत सब जगह मकान नहीं है और जगह दूसरे के मदद से जो है दूसरे के छत पर पड़े हुए हैं। क्या मांगा आपकी प्रशासन की? बस हमारे प्रशासन से ये मांग दिया सर, हमारी जो है जरूरत पूरी की जाए, एक पूरी जरूरत जो प्रशासन नहीं पड़ सकता, जो जो हमारे फिलहाल मौजूद है जो जरूरत है वो हमारी पूरी की जाए। सर का मुआवजा जो भी है और ये चारा वगैरह और ये अनाज पाठ गरीब आदमी।